बेसिक कंप्यूटिंग है जिसके अंदर 3 महीने के बाद कोई भी डाटा एंट्री के अंदर या रिसेप्शन के ऊपर या आपने जो है किसी फ्रंट डेस्क के ऊपर काम करना है तो उसके लिए द आइडियल ये इनका कोर्स है 3 महीने का। अभी आपके कितने स्टूडेंट पास आउट होके जा चुके हैं? अभी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से 8-10 सालों से कर लेंगे। हमारा 3 माह का बैच है और 50 बच्चे होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम लोग खाना फ्री है, यहाँ पे हम लोग मुस्तहिक बच्चे यहाँ पे सीख रही हैं और यकीन माने कि यहाँ पे हमें अपना घर वाला माहौल मिलता है। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सारे हमारे ऑफिस एडमिन हैं, हमारा HR है, हमारी फाइनेंशियल CFO हैं, हमारे जो टेक्निकल टीम बैठी हुई है। हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट वो इसलिए ज़रूरी है कि ताकि सब एहतसाब भी तो हो सके कि एहतसाब भी वो ऑडिटिंग तो हमारी होती है क्योंकि कोई भी NGO बगैर ऑडिटिंग के चल ही नहीं सकती है क्योंकि FATF के बाद लैब क्या है IT लैब हमारा ये बच्चे उसी तरह जैसे टेक्निकल स्कूल में आपने देखा कि ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, स्विंग सीख रहे हैं, मेकअप सीख रहे हैं तो ये बेसिक कंप्यूटिंग है जिसके अंदर 3 महीने के बाद कोई भी डाटा एंट्री के अंदर या रिसेप्शन के ऊपर या आपने जो है किसी फ्रंट डेस्क के ऊपर काम करना है तो उसके लिए द आइडियल ये इनका कोर्स है 3 महीने का। और बाज़ बच्चियां तो अपनी आगे अपने जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो बेसिक सारी कंप्यूटिंग सीख के ये जॉब इनके लिए बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, आप अभी मुझे बता रहे थे कि जो ये टेक्निकल कोर्सेज़ हैं इनकी कोई इम्पोर्टेंस बता रहे थे। इम्पोर्टेंस ये है कि पूरी दुनिया में, मतलब मैं लंदन में रहा हूँ और मुझे मैं अमेरिका में भी देखा है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, सबसे ज़्यादा वोकेशनल टेक्निकल स्कूल हैं। वो आपको 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के कोर्स करवा के, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता अगर एक बंदा कोर्गी रजिस्टर्ड नहीं है और वो गैस की किसी पाइप को हाथ लगा ले या इलेक्ट्रिक किसी पाइप को हाथ लगा ले, ही हैज़ टू बी रजिस्टर्ड। जैसे हमें ये टेप्टा के और ये कोर्सेज के ये हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो इनका सर्टिफिकेट एक एलिजिबिलिटी शो करता है कि ये ईजिली जाकर जॉब तलाश कर सकती है और उन्होंने किया हुआ है। और प्रैक्टिकली माशाल्लाह आप देखें इनकी डेडिकेशन, ये इर्द गिर्द के फिर मैं आपको बताऊँगा 35-40 गांव हैं जहाँ से ये बच्चियाँ हमारी, और आपने ये भी देखा कि अब तक सारी बच्चियाँ हैं और ये नूर प्रोजेक्ट की मैंने ज़्यादा देखा कि आप ये बच्चियों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। यही तो इम्पोर्टेंस है कि हमारी 60% तो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, और मैं बच्चों के साथ डायरेक्टली आकर इंटरेक्ट करता हूँ, इन्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान में आपकी तालीम और आपकी तरबियत जो है ना सबसे ज़्यादा अहम है। मर्द अगर 40-30% काम करते हैं तो औरतें घर और बाहर के काम को मिला के 90% काम करती हैं। तो जब तक ये शोल्डर टू शोल्डर खड़ी नहीं होंगी यकीन करें पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। 2 कोर्सेज से मेकअप और सीइंग जो हमने पिछले 10 साल से करवा रहे हैं और बेसिक ये घरों से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बैठे नहीं, आपने आपके लिए हमें खड़ा होना चाहिए कि आप जो काम कर रही हैं। मैडम आप आए हैं, मैडम भी इसी तरह जैसे मैंने वो मेकअप की क्लास में था, मैडम भी हमारे साथ 10 साल से हमारे साथ हैं माशाल्लाह, और ये भी बच्चियों को हजारों बच्चियां यहाँ से ट्रेंड होके गई हैं, चाहे वो घर से काम करें। बल्कि मैडम बताएं ना आप। हाँ जी, घर में बैठ के बच्चे काम करते हैं माशाल्लाह से, अच्छी इनकम हो जाती है इनकी, किसी ने फैक्ट्री वगैरह में भी काम करना है जाके तो बच्चे कर लेते हैं। ये एक बड़ा बेसिक हुनर है। हाँ जी। पहले ये हम देखते थे कि हर घर में सिखाया जाता था। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये अब ये बच्चों को बेसिक सिखा देते हैं तो ये बच्चे अपना ना इनकी इनकम शुरू हो जाती है घर में बैठ के भी आराम से कमाती है। ये कितनी देर में ये सीख जाती हैं? 3 माह में सीख जाती हैं ये। और इनको क्या ये आज के दौर के मुताबिक जो, क्योंकि आज तो मुख्तलिफ फैशन। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपके कितने स्टूडेंट पास आउट होके जा चुके हैं? अभी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से 8-10 सालों से कर लेंगे। हमारा 3 माह का बैच है और 50 बच्चे होते हैं हमारे पास। इसमें सब वो कटिंग और स्टिचिंग, ड्राफ्ट, पैटर्न, फ्लावर मेकिंग, तकरीबन हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये सारा काम करवाते हैं हम। इसमें तो बड़ी सारी आपको फैशन डिजाइनर बनती मिलेंगी आपको। हाथ खड़ा करें कौन कौन फैशन डिजाइनर बनेगा? देयर यू गो माशाल्लाह। और कौन कौन घर से काम करेगा? देयर यू गो। बिजनेस करना चाह रही हैं? इनका इंटरव्यू आप जरूर करें। जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कब से कर रही हैं आप? जी मुझे 1.5 माह हो चुका है यहाँ पे स्टिचिंग करते हुए, और मेरा ये है कि मैं कहती हूँ कि यहाँ से मैं सीख के और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूँ ताकि मैं इसी तरह वेलफेयर जैसे यहाँ पे बच्चियाँ सीख रही हैं एक कारोबार और आगे से करूँ। आप भी बच्चों को सिखाना चाहती हैं? जी मैं भी बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग खाना फ्री है, यहाँ पे हम लोग मुस्तहिक बच्चे यहाँ पे सीख रही हैं
और इतना यहाँ पे है कि यानी कि हम बड़े सुकून से यहाँ पे, जैसे अपना घर होता है यहाँ पे, हम इजीली यहाँ पे सीख सकते हैं। और मैम हमसे बहुत कंप्रोमाइज़ करती हैं, सर यहाँ के बहुत अच्छे हैं और यकीन माने कि यहाँ पे हमें अपना घर वाला माहौल मिलता है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में बहन बेटियाँ मौजूद हैं। हम नहीं बताऊँ इनके माशाल्लाह इनका कॉन्फिडेंस लेवल, जितनी ग्रूमिंग इसके साथ हो रही है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई के साथ जो ग्रूमिंग होती थी ना, असल चीज़ वो होती थी कि जो हम ग्रूम होकर निकलते थे, वो असल चीज़ था। थैंक यू वेरी मच बेटा।